For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. बिग बॉस 11 की विनर बनी शिल्पा शिंदे का बिग बॉस के घर में आपने हर अवतार देखा। 40 साल की शिल्पा ने अपने एक्टिंग करियर के दौरान एक से बढ़कर एक टीवी शोज किए, लेकिन शिल्पा स्मॉल स्क्रीन पर अपनी एक्टिंग से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज की वजह से मीडिया की सुर्खियों में रही। जी हाँ, छोटे पर्दे पर अंगूरी भाभी के किरदार से मशहूर हुई शिल्पा ने स्मॉल स्क्रीन पर अपना डेब्यू 1919 में किया, लेकिन उन्हें अपनी पहचान बनाने का मौका स्टार प्लस के शो भाभी के जरिए मिला। इस शो में शिल्पा नेगेटिव रोल में नजर आईं। अपने अभिनय के सफर के दौरान शिल्पा ने एक से बढ़कर एक टीवी शोज किए और उसमें अपनी एक्टिंग का जौहर दिखाया, जिसमें आम्रपाली, मेहर, हातिम, मायका जैसे टीवी शोज शामिल रहे। शिल्पा को स्मॉल स्क्रीन पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जी टीवी के शो मायका और एन टीवी के शो भाभी जी घर पर हैं से मिली। टीवी सीरियल में काम से ज्यादा शिल्पा शो छोड़ने को लेकर सुर्खियों में रही। जी हाँ, शिल्पा ने अचानक ही जी टीवी का शो मायका छोड़ दिया। इस शो में उनके साथ लीड एक्टर रोमित राज रहे। रोमित और शिल्पा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। दोनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन एन वक्त पर शिल्पा ने शादी से मना कर दिया। शिल्पा का मानना था कि रोमित के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। अचानक शो छोड़ने और रोमित से शादी करने से इनकार करने के बाद शिल्पा ने कुछ सालों बाद सब टीवी के शो चिड़ियाघर को भी बीच में ही छोड़ दिया। शिल्पा का मानना था कि इस किरदार से उनके एक्टिंग करियर को कोई ग्रोथ नहीं मिल रही। चिड़ियाघर के बाद शिल्पा रातों रात उस वक्त मीडिया की सनसनी बन गई जब उन्होंने अचानक एन टीवी का शो भाभी जी घर पर है छोड़ दिया। इस शो के प्रोड्यूसर पर शिल्पा ने मेंटल और सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी किया था और मीडिया के सामने शो के प्रोड्यूसर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस तरह से शिल्पा के शो छोड़ने के बाद सिंटा ने शिल्पा को बैन करने का फैसला भी किया, जिसके खिलाफ शिल्पा ने राजनीतिक पार्टी मनसे का सहारा लिया। बहरहाल बिग बॉस 11 जीतने के बाद शिल्पा इन दिनों सातवें आसमान पर है। फॉर मोर बॉलीवुड गॉसिप्स डू सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा।